बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को अपनी कातिलाना अदाओं पर नचाने वाली अदाकारा सपना सप्पू को लेकर बीते दिनों से ही ऐसी खबरें सामने आई हैं कि वो सलमान खान के विवादित शो बिग बॉस 14 में एंट्री मार सकती हैं। बिग बॉस 14 के मेकर सपना सप्पू को वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी के तौर पर शो में लाना चाहते हैं ताकि बिग बॉस 14 की व्यूअरशिप में इजाफा हो सके। सपना सप्पू ने 80 और 90 के दशक में कई बोल्ड फिल्में की थी और आज भी वो ऐसी फिल्मों के जरिए लोगों का मनोरंजन करती रहती हैं। इस कारण बहुत सारे लोग उन्हें बी ग्रेड एक्ट्रेस बुलाते हैं। हालांकि सपना सप्पू को इस शब्द से काफ़ी नफरत है और उन्होंने सालों पहले दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर उनकी फिल्में बी ग्रेड हैं तो फिर महेश भट्ट की फिल्में क्या हैं। उन फिल्मों में भी बैड सीन्स और किसिंग सीन्स होते हैं। अगर उन फिल्मों से भट्ट बैनर का नाम हटा दिया जाए तो क्या वो ए ग्रेड रह पाएंगी। सपना सप्पू ने सालों पहले इंडिया टुडे से बात करते हुए इस बारे में कहा था कि लोग मुझसे कहते हैं कि मैं बी ग्रेड और सी ग्रेड एक्ट्रेस हूँ। महेश भट्ट जो बनाते हैं वो क्या है। मेरी फिल्मों में बिकनी, किसिंग सीन्स, बैड सीन्स और ग्लैमर का तड़का लगाया जाता है, लेकिन ये सब तो उनकी फिल्मों में भी होता है। सपना सप्पू ने उस समय सनी लियोनी पर भी निशाना साधा था और कहा था कि हमारे देश में करोड़ों लड़कियां हैं जो दिन रात मेहनत करती हैं और वो फिल्म पाने के लिए बोल्ड सीन्स तक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन साहब को इतनी क्या ज़रूरत आ गई कि सनी लियोनी को लेकर फिल्म बना रहे हैं। क्या अब उन करोड़ों लड़कियों को पहले वो सीखना होगा जो सनी लियोनी करती हैं, उसके बाद उन्हें फिल्में मिलेंगी। अगर महेश भट्ट साहब की फिल्मों से उनका नाम हटा दिया जाए तो क्या वो फिल्में सी ग्रेड नहीं कहलाएंगी। मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप बी ग्रेड और सी ग्रेड के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जो मैं करती हूँ वो कई बड़ी हीरोइनें भी करती आ रही हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही बिग बॉस 14 से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप द डॉलीवुड रिपोर्टर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।